जोहर के देवनगर कॉलोनी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देवनगर कॉलोनी में बजरंग नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जी हां, तीन दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। दमकल के पहुंचने से पहले लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं नमकीन सहित अन्य सामग्री जलकर खाक हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीहोर के देवनगर कॉलोनी से बता रहे हैं, जहां बजरंग नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वहीं दमकल के पहुंचने से पहले लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। नमकीन सहित अन्य सामग्री भी जलकर खाक हो चुकी है। मैम, ये आग लगी है, क्या कारण रहा, क्या था? देखने से तो शॉर्ट सर्किट वजह लग रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। क्या रखा हुआ था? ये नमकीन की फैक्ट्री थी, इसमें खाद्य सामग्री, तेल वगैरह ये सब था। नमकीन पैकिंग की जो पॉलिथिन रहती हैं वो थी इसमें। कितने का नुकसान हुआ मैम? अब जो जिनकी फैक्ट्री थी उनके कहे अनुसार तो 40 से 50 लाख का नुकसान है, ऐसा बता रहे हैं। आपको सूचना कब लगी? मुझे सूचना सुबह 6 बजे लग गई थी। लगभग कितनी दमकल बुलाई गई? 2 दमकल गाड़ी बुलाई थी हमने। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सूचना करने के तुरंत बाद दमकल के लिए सूचित कर दिया था। वहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बड़ा वाहन है, रिफिल भी होता है, तो वो इतना टाइम तो लगेगा। क्या करते थे? बजरंग फूड्स के नाम से सेव नमकीन खाने पीने का सामान बनाता था। लगभग कितने लागत का ये आपका नुकसान हुआ? ये टोटल पन्नी और नमकीन तेल वगैरह सब पूरा कंप्लीट माल 40 से 50 लाख की लागत का मेरा ये सिस्टम था। आपको कब सूचना मिली? सुबह 5:45 बजे मेरे ससुर जी ने, देवनारायण जी ने मुझे फोन लगाया, और जैसे ही मैं आया तो यहाँ आग थोड़ी फैल चुकी थी, और फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, लेकिन वो 1.5 घंटे लेट आई। नहीं तो आगे को काबू पाया जा सकता था। और मुझे खुशी इस बात की कि पड़ोसी कम से कम हमारे सेफ रह रहे। मेरा जो हुआ वो अपनी जगह ठीक है, मैं तो 0 पर हो गया।